सबसे पहले तो जो इस्तदलाल है, इब्न सीना ने एक इस्तदलाल नहीं दिए थे, मुख्तलिफ दिए थे, उसमें से एक इस्तदलाल ये है। बुरहान ने वजूब व इम्कान से बोल कहते हैं, अंग्रेजी में कंटिजेंसी आर्गुमेंट पा जाता है। वजूब यानी किसी चीज़ का वाजिब नेसेसरी होना, और इम्कान यानी कि किसी चीज़ का मुमकिन होना, कंटिजेंट होना। ये मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। तो इस आर्गुमेंट के मुख्तलिफ फॉर्मुलेशन हैं, कोई एक फॉर्मुलेशन नहीं है, ठीक है। मैं अभी जो पेश करूंगा वो इब्न सीना का फॉर्मुलेशन है, और भी लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में इसको पेश किया है, इस इस्तदलाल को, ठीक है। तो इसका बेसिक जो कायदा आप कह लें, या बेसिक इसका जो सबसे पहली चीज़ है, अच्छा पहले इसमें भी तफरीक है कि ये एक ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है यानी कि वजूद से इस्तदलाल है, या ये कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है यानी कि कॉस्मोस को देख के आप इस्तदलाल कर रहे हैं, या ये दोनों है, ठीक है। इस पर भी एक इख्तिलाफ है स्कॉलर्स में यानी कि वेस्टर्न एकेडमिया वगैरह में, कि इसको क्लासिफाई किस किस्म का आर्ग्यूमेंट किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली, और मैं तो समझता हूँ कि दोनों ही इसको कहा जा सकता है। तो इसमें है ये कि वजूद की तीन अकसाम है, ठीक है। पहले सबसे बेसिक जो एक्सीम है वो तो वजूद है, ठीक है। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि वजूद जो है वो वजूद रखता है, ठीक है। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए आप मेरी बात सुन रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वजूद तो है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वजूद की तीन अकसाम है मुख्तलिफ, या उसका कोई अफेक्ट, सॉरी, उसका कोई पीछे कॉज है, या कोई कॉज नहीं है, ठीक है। जिसका कॉज है उसको हम बोलते हैं कि ये मुमकिन है, जिसका कॉज नहीं है उसको हम बोलते हैं वाजिब है, और एक तीसरी किस्म है जिसको आप मुमतने बिज़ात, या फिर उर्दू में आप कह लें नामुमकिन वजूद कह लें, इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तीन अकसाम, तीन कैटेगरीज आ गई हैं। एक हो गई पॉसिबल एग्जिस्टेंस, एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस, वाजिब वाजिबल वजूद, मुमकिन वजूद, और फिर अलमुमतने बिज़ात, या फिर नामुमकिन वजूद कह लें, यानी इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंस। अब इम्पॉसिबल की मिसाल जैसे स्क्वायर सर्कल हो गया, या मैरिड बैचलर हो गया, ठीक है, शादीशुदा कवारा वगैरह वगैरह, जो भी आप मिसालें निकाल लें, यानी कि जो डिसोबे करता हो लॉज को, लॉजिक के, जैसे लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, लॉ ऑफ आइडेंटिटी हो गया, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल हो गया, जो इनके खिलाफ जाता है, वो फिर एग्जिस्टेंस नहीं रख सकता खारिज में, यानी एक्चुअलिटी में मुतहक्किक नहीं हो सकता, एक्चुअलाइज नहीं हो सकता वो, ठीक है। वो सिर्फ आपके जहन में रह सकता है, वो उसकी उसका वजूद नहीं हो सकता, इसलिए वो नामुमकिन वजूद है। ये तीन कैटेगरीज हैं, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर कोई है तो कोई, अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई इसके अलावा कौन सी कैटेगरी है, इसके अलावा क्यों नहीं हो सकती कोई, तो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो अब जब हमने किसी चीज़ को कह दिया वो नामुमकिन वजूद है, तो वैसे हमने उसे साइड पर कर दिया कि वो एग्जिस्टेंस नहीं रखता। अब या तो कोई चीज़ पॉसिबल है या वो नेसेसरी है। फिर हम देखते हैं अपने वजूद को और अपने गिर्दो नवा को, ठीक है, यानी कायनात को आप कह लें। फिर हम सवाल उठाते हैं कि भाई कायनात जो है वो वाजिब है या मुमकिन है। सबसे पहले हम कायनात के अंदर की जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं कि हर जगह कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट आप हर चीज़ में देख रहे हैं कि एक इल्लत है, एक मालूल है, और वो इल्लत जो है वो डिटरमिन कर रही है कि मालूल किस, उसकी नौयत क्या होगी, उसकी कैफियत क्या होगी, ठीक है, किस तरह से वो चलेगा। तो वो इस हिसाब से मुमकिन है। अभी वो इस हाल में मुमकिन था कि वो किसी और हाल में होता, पॉसिबल वर्ल्ड जिसको आप कह लें। जैसे अभी अरेंजमेंट यूँ है कि भाई अर्थ जो है वो बीच में है, यानी अर्थ एक कोने में है, या हमारी जो सोलर सिस्टम है वो एक कोने में है कायनात के, ठीक है, मसलन लेफ्ट कोने में। मुमकिन था कि वो राइट कोने में, इससे कोई फ़र्क ना पड़ता कायनात को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी थी, इसका नेसेसरी नहीं है कायनात का इस ऑर्डर में होना और इस स्टेट में होना जिस ऑर्डर में अभी है, ठीक है, ये एक इम्कान है इसमें। इसके अलावा कायनात में एक और चीज़ भी है कि वो मुरक्कब है, ठीक है, मुरक्कब है एटम्स का, मुख्तलिफ अरबों इसमें एटम्स हैं, मुरक्कब है यानी कि कॉम्पोजिट है, तरकीब है, उसमें कॉम्पोजिट बीइंग है। और कॉम्पोजिट की बात यह है कि वो अपने इनफरादी अज्जा की मोहताज है अपने वजूद के लिए, ठीक है, यानी उसके अगर अज्जा एक साथ एक खास ऑर्डर में और एक साथ हों तभी उसका वजूद बरकरार रहता है, वरना उसका वजूद बरकरार नहीं रहता। तो वो मोहताज है, ठीक है, नियाजमंद है,
या कंटिंजेंट है दूसरे अल्फाज में, तो उसको भी एहतियाज है, उसको भी इफ्तिकार है, यानी उसके मुरक्कब होने की वजह से कायनात को। तो एक बात आ गई कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, दूसरी बात आ गई उसकी न्याजमंदी, उसकी एहतियाज कायनात का, यानी कि उसका मुरक्कब होने की वजह से। दूसरी तरह एक और तरह भी मुरक्कब है कायनात, सिर्फ एटम्स अरबों एटम्स होने की वजह से मुरक्कब नहीं है। एक और वजह उसके मुरक्कब होने की ये है कि उसमें वजूद और ज़ात या माहियत, यानी एग्जिस्टेंस और एसेंस, ठीक है, वजूद और ज़ात, या वजूद और ज़ात और माहियत एक ही चीज़ होती है, एसेंस बोलते हैं इसको। तो वजूद पे हम समझते हैं किसी चीज़ का, यानी कि उसका मौजूद होना, उसका वजूद है। उसकी ज़ात वो है जो उसका आइडिया उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस चीज़ का। जैसे अगर ये मैंने मिसाल रफा भाई को भी दी थी, दरख्त है, आपने कोई दरख्त देख लिया, अब आपके जहन में एक दरख्त आ जाएगा, उसकी शाखें हैं, सब्ज़ है वो, ठीक है, पत्ते भी हैं वगैरह वगैरह, ये एक एसेंस जो है ना आपके जहन में, उसकी एक आपने डिराइव कर ली, आपने उसकी एसेंस को सेपरेट कर लिया उसकी एग्जिस्टेंस से, ठीक है। कोई भी दरख्त है आप उसकी, या कोई भी कायनात में चीज़ है, बल्कि खुद कायनात, आप उसकी एसेंस और आप उसकी एग्जिस्टेंस को सेपरेट कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो एसेंस और एग्जिस्टेंस का की मुरक्कब है कायनात, तभी आप इन दोनों में तफरीक पैदा कर सकते हैं इसमें, कायनात में। तो यहाँ भी मुरक्कब होगी, मुरक्कब होगी तो अपनी अज्जा की मोहताज है, अज्जा की मोहताज है तो मुमकिन वजूद है, वाजिबुल वजूद नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा कायनात में एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं, ये मुल्ला सदरा का फलसफे में थोड़ा सा आ रहे हैं, वो क्या, इसको बोलते हैं हरकत जौहरिया, यानी सब्सटेंशियल मोशन, कि एक चीज़ जो है वो पोटेंशुअलिटी से एक्चुअलिटी में जा रही है। हर चीज़ कायनात में पोटेंशियल से एक्चुअल में जा रही है, और कभी भी फुल्ली एक्चुअलाइज वो नहीं होती। मैं ये मेरे सामने कुर्सी पड़ी है अभी लकड़ी की, पहले इससे पहले जब ये दरख्त थी, इसमें पोटेंशियल था कि ये टेबल बन जाती, ये जो है शेल्फ बन जाती, ये कुर्सी बन जाती, वगैरह वगैरह, ठीक है, कुछ भी वुड का इससे बन जाता। लेकिन फिर ये कुर्सी कुर्सी बनी, क्यों? क्योंकि इल्लत इसके पीछे कुछ खास थी जिसने इसे डिटरमिन किया। इसका कुर्सी बनना वाजिब नहीं था, ठीक है, मुमकिन था, इम्कान था कि एक से दूसरी शक्ल में आया, और अभी इस शक्ल में कुछ अरसे बाद अगर इसको कोई जला दे, इसने राख बन जाना, एक और शक्ल इख्तियार करनी है, उसके बाद इसने फिर किसी और, अगर ज़मीन के अंदर चला जाए, कुछ और हो जाए इसके साथ, तो इसने एक और शक्ल इख्तियार करनी है, और यही होता रहेगा, ठीक है, इसने मुख्तलिफ अशकाल इख्तियार करते रहना है। तो ये इम्कान इसमें है जिसमें बदलता रहता है, ठीक है, तगैयुर आता रहता है इसमें, इसको हरकत है जोहरी, इसमें भी अभी अभी भी इसमें पोटेंशियल है इस कुर्सी में लकड़ी की, कि ये राख बन जाए, ठीक है, इसमें अभी भी पोटेंशियलिटी बाकी है, और इसी से इसी सिलसिले से जारी रहती है, एक्चुअलाइज होने की कोशिश करती है, लेकिन एक्चुअलाइज होती रहती है, क्योंकि वो वाजिब नहीं है, जाहिर है, तो उसमें तगैयुर आता रहेगा, तब्दीली आती रहेगी, ठीक है। तो अब कायनात में आप देखते हैं कि इल्लत और मालूल का भी सिलसिला चल रहा है, साथ ही साथ मुरक्कब भी है वो दो तरह से, एक वजूद और माहियत के मुरक्कब है, एग्जिस्टेंस और एसेंस का, और एक वो मुख्तलिफ अरबों एटम्स का की मुरक्कब है कायनात, ठीक है। इसी तरह से कायनात जो है वो एक्चुअलिटी की तरफ भी जाती जा रही है, लेकिन एक्चुअलाइज नहीं हो रही। तो ये सब हमें बताता है कायनात मुमकिन वजूद है, एक वाजिब वजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक तो उसमें एहतियाजी है, मोहताजी है, दूसरी बात ये कि उसमें तगैयुर है, एक्चुअलाइज होती जा रही है, और इसमें जो तो इल्लत और मालूल का भी सिलसिला चल रहा है वो भी इसकी एहतियाजी की दलील है। अब कोई सबसे पहला एतराज़ कोई ये कर सकता है कि भाई, जो करते भी हैं मुल्हिद, कि भाई चलो ठीक है, कायनात जो है वो, यूनिवर्स जो है वो तो हम मान लेते हैं कि ये कंटिंजेंट है, लेकिन कॉस्मोस जो है वो नेसेसरी है। तो ये खुद एक मुगालता है सबसे पहले, वो इसलिए क्योंकि कॉस्मोस जो है, अगर आप, और कॉस्मोस का डेफिनेशन यानी सारा कुछ जो भी एग्जिस्टेंस है, हम तो वैसे डिफाइन ही, यानी यूनिवर्स को सारी जो मादी आलम है, जितनी भी मादी अशियाएँ हैं, वो सब यूनिवर्स समझी जा सकती हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं चले कॉस्मोस है, उसका एक हिस्सा यूनिवर्स है, तो हिस्सा आ गया, तो खुद ही आपके जहन में आ चुका होगा कि मुरक्कब है, मुरक्कब है, आप दो दो अलग चीज़ें उसकी डिफरेंशिएट करते हैं, फिर साथ साथ मुरक्कब वो वही बात आ गई कि वो भी उन्हीं अज्जा का मुरक्कब, उसी तरह अज्जा का मुरक्कब है, वजूद और माहियत का मुरक्कब है, वगैरह वगैरह, तफरीक आप कर सकते हैं उसके मुख्तलिफ अज्जा में, पार्ट्स में, तो कॉम्पोजिट हो गया, कॉम्पोजिट हो गया तो मोहताज हो गया, ठीक है, मोहताज हो गया,
तो वो भी वाजिब नहीं हो सकता। अगर वो भी ज़्यादा उसमें भी तगैयुर आता जा रहा है, चाहे उसके कुछ हिस्से में भी तगैयुर आ रहा है, तो वही कायदा अप्लाई होता है उस पर भी। ठीक है, तो फिर आप सवाल आपको करना पड़ेगा कि ये जो कॉस्मोस है ये भी अगर मुमकिन है, ये भी एहतियाज रखता है, तो फिर ये किसका, इसका इसका कॉज क्या है, ये कहाँ से आया। तो अब कोई कह सकता है कि या तो ये है कि इसका कोई यानी एक लामुतनाही सिलसिला है, यानी कि जिसको आप बोलते हैं कि यानी इन्फिनिट रिग्रेशन, जिसको आप कह लें एक लामुतनाही सिलसिला है कॉज एंड इफेक्ट का, जो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, या ये कि कहीं पे आके वो रुकता है सिलसिला, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का। तो फिर सबसे पहले, नहीं उससे पहले भी माजरत, एक और सवाल आता है कि इसका जो कॉज है कायनात का, ये मादी है या गैर मादी है। तो अगर हम कहते हैं कि कायनात का कॉज भी मादी है, तो दरअसल हम कह रहे हैं कि मादे ने ही मादे को वजूद दिया है, क्योंकि जब हमने कहा कायनात तो हमने सारे ज़ाहिर मादी आलम को हमने इंक्लूड कर लिया, यानी मटेरियल रेलम जो है वो आ गया। अगर हम कह रहे हैं उसका भी कॉज मटेरियल है, तो इसका मतलब है पहले ही मटेरियल था, उसने मटेरियल को ही वजूद दिया जो कि मुहाल है। ठीक है, वही यानी कि कुछ जो बुनियादी अकली जो कवायद है ना, वो हर जगह अप्लाई होंगे, तो वो मुहाल है, क्योंकि एक ही चीज़ अपने आप को वजूद देने के लिए उसका पहले मौजूद होना ज़रूरी है जो कि मुहाल है। मादूम और मौजूद एक ही वक्त पे कोई चीज़ नहीं हो सकती, एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि जो कायनात का जो वजूद कॉज है वो गैर मादी है, वो मादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो गैर मादी होना ज़रूरी है उसका, उसके कॉज का, क्योंकि मादी आप मान नहीं सकते, उसमें वही मसाइल फिर आएंगे। अब जो सिलसिला है इसका, या तो लामुतनाही है या फिर मुतनाही है, फाइनाइट है या इन्फिनिट है, इन्फिनिट रिग्रेस है इसमें या नहीं है। ठीक है, अगर आप मानते हैं कि इसमें इन्फिनिट रिग्रेस है, तो इसमें फिर वही मसला आता है कि वो जो इन्फिनिट रिग्रेस आप मान रहे हैं ना, उसमें आप मान रहे हैं कि मुख्तलिफ अज्जा हैं जिसका वो मुरक्कब है। ठीक है, वो जो कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला एक चल रहा है, वो भी तो मुख्तलिफ कॉज एंड इफेक्ट्स का मुरक्कब है ना, तो वो भी अपने अज्जा का मोहताज है मुरक्कब होने की वजह से, उसी को भी किसी वाजिब वजूद की ज़रूरत है, वो खुद भी मुमकिन है, वो कॉज एंड इफेक्ट का इन्फिनिट सिलसिला जो आप कह रहे हैं, उसको भी ज़रूरत है किसी वाजिब वजूद की जो उसके वजूद को बरकरार रखे। आप इस तरह समझ लें कि मुख्तलिफ डोमिनो के स्लैब्स हैं जो टिल्टेड हैं, लेकिन एक स्लैब को तो खड़ा होना पड़ेगा ना, अगर बाकी सबको बरकरार रहना है, वरना तो सारे गिर जाएंगे। ठीक है, एक सपोर्ट के तौर पे बेड रॉक कोई ना कोई तो होगा ना। ठीक है, तो यहाँ भी आपको वाजिब वजूद की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वो मुरक्कब है अव्वलन। दूसरा ये कि अगर कोई कहे कि सर्कुलर कॉजैलिटी है, तो उसमें भी ज़ाहिर है फिर वही मसला आता है, ए कॉज बी, बी कॉज सी, सी कॉज डे, तो उस सी का बैक वक्त मौजूद होना ना मौजूद होना लाजिम आ जाता है, और वही फिर मसला इधर भी खड़ा खड़ा हो जाता है कि सर्कुलर कॉजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने आप को वजूद दे रही है कोई चीज़, ज़ाहिर है उसका मौजूद होना ज़रूरी है अपने आप को वजूद देने के लिए, पहले ही मौजूद है तो वजूद किसको दे रही है। ठीक है, तो यहाँ भी फिर वही मसला आता है। फिर आपको बिलाखिर ये मानना पड़ेगा कि कहीं पे आके सिलसिला मुंतही होता है, कहीं पे सिलसिला आके रुकता है, और वो जो वजूद है वो ऐसा है जिसके पीछे कोई इल्लत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे इल्लत है, फिर वही सवाल उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, और वही फिर इम्कान का फिर सवाल दोबारा से आ जाता है। और वो जो ये जो एक इल्लत होगी या एक जो वजूद होगा जिस पे सारा कुछ जिसकी वजह से सारा कुछ बरकरार है, ये इसका वाजिब होना ज़रूरी है, कोई ना कोई चीज़ वाजिब होना ज़रूरी है इसका। ठीक है, जिससे बाकी सारे मुमकिनात वजूद रख रहे हैं। अब ये एक वाजिब वजूद पे हम आ गए, तो फिर सवाल आता है कि इसका मतलब क्या, इसकी सिफात क्या है। मतलब मुल्हिद कोई पूछेगा कि भाई ये आपका खुदा कैसे, आपको कैसे पता ये वही खुदा है जो आप मान रहे हो, क्या पता है कोई डीएसटिक खुदा हो, क्या पता मुझे ये भी मतलब क्या पता है कोई ब्लैक होल हो, क्या पता कोई, इस तरह से इस तरह के भी लोग सवाल करते हैं। ब्लैक होल तो खैर हो नहीं सकता, वही फिर मादी की बात आ जाती है। हाँ जूस हो, कोई ये भी कह सकता है, थॉर हो। ठीक है, तो पहली बात तो फिर ये है कि ज़ाहिर है हमने तो जब गैर मादी कह दिया तो कोई मादी खुदा तो हो नहीं सकता, सबसे पहली बात तो उसकी नफ़ी हो गई, क्योंकि वही फिर मुरक्कब हो जाएगा, तरकीब उसमें आ जाएगी और सारा कुछ वो मसाइल दोबारा से जन्म लेंगे।
तो उसका गैर मादी होना पहले तो लाजिम है, उसका वाजिब होना लाजिम है, उसका अजली होना लाजिम है, अबदी होना लाजिम है, ठीक है, कि हमेशा से है। जाहिर सी बात है, अगर वो वजूद में आ रहा है किसी ना किसी वक्त में, पहली बात तो ये कि वो वक्त में महदूद है, तभी वजूद में आ रहा है किसी वक्त से, और अगर वो आ रहा है तो उससे पहले क्या था, और फिर उसको किसने वजूद दिया वगैरह वगैरह। और अगर वजूद में आ रहा है तो ज़ाहिर है उसकी कोई कॉज है, कोई कॉज है तो वैसे ही मुमकिन है, वाजिब नहीं है, हम वाजिब की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो वजूद है इसका, इसकी जो सिफात हैं, इसकी सिफात में से, अच्छा अभी इब्ने सीना का जो यहाँ पे है ना, वो उसके नज़दीक वजूद और खैर जो है ना वो एक ही चीज़ है। ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि कोई लोग सवाल करते हैं कि भाई अच्छाई बुराई क्या है, कैसे तफरीक हो कि अच्छाई अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, यानी सारा आर्बिट्रेरी है, सारा आपके यानी सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है वगैरह वगैरह। तो इब्ने सीना के नज़दीक खुदा जो वाजिब वजूद है ना, वो वजूद महज है, यानी एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है, और साथ ही साथ वो खैर महज है, क्योंकि वजूद सिनोनिमस है खैर से, अच्छाई से, गुडनेस से, ठीक है, तो एब्सोल्यूट गुडनेस भी है। जी अब भाई, एक जैसे छोटा जैसे सा सवाल है, जी, ये जो स्टेटमेंट आपने दी है इसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे? तो एक एक्सियोम दे दिया आपने। नहीं, इसकी इसके पीछे लॉजिक ये है कि जितनी भी आप खैर देखते हैं उसका ओरिजिन एक ही उससे है, पॉइंट से है, उस एक, वो एक चश्मा है जहाँ से सारा खैर फूट रहा है, तो वही उसका सोर्स है बुनियादी। समझ आई आपको बात या मजीद? ठीक है, तो इब्ने सीना के नज़दीक ये मसला, और ये अक्सर इस्लामी फ़लासफ़ा यही मानते हैं। मुल्ला सदरा को भी आप देख लें, आप अलामा तबातबाई को देख लें वगैरह वगैरह, कि वजूद महज यानी खैर महज खुदा है, उससे सारा। फिर अब जैसे जैसे आप उससे दूर आते हैं खुदा से, इन टर्म्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का चेंज, यानी जमान मकान की दूरी की बात नहीं कर रहा, जैसे मैं आपसे दूर हूँ, ये कॉज एंड इफेक्ट की दूरी, आप उससे दूर आते हैं वैसे वैसे वो चीज़, उस चीज़ में वजूदी ज़ोफ़ आता रहता है, वो चीज़ एग्जिस्टेंशियली वीक होती जाती है, और चूंकि वो एग्जिस्टेंशियली वीक है तो वो उसमें ज़र्फियत, उसकी जो कैपेसिटी है खुदा की सिफात को जाहिर करने की, उसका मज़हर बनने की, वो कम होती जाती है, ठीक है। तो उसमें फिर खैर के भी उसी प्रोपोर्शनेटली, यानी उसका कोटा कह लें, या उसका उसके अंदर वो जज्ब उतना करेगी, अब्जॉर्ब उतना करेगी खुदा की सिफात को, वो वाला वजूद, क्योंकि वजूदी तौर पर जितना दूर हो रहा है उतना ही उसमें कमी आ रही है। तो जितने भी अवालिम हैं, जितने भी जहां हैं, उन सब के बाद सबसे जो आखिरी इस इल्लत और मालूल के सिलसिले में सबसे आखिरी जहां है वो मादी जहां है, आलम, मादी आलम है, तभी यहाँ पे सबसे ज्यादा खैर का फुकदान, आप कह लीजिए जैसे खैर के फुकदान को आप शर का नाम ले लें, ये नॉन एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू ईवल, ठीक है, क्योंकि ईवल कोई वजूद नहीं रखता बजाते खुद, और ये मैं यानी कि एब्सोल्यूट ईवल की बात कर रहा हूँ, मैं रिलेटिव ईवल की बात नहीं कर रहा, जैसे सब्जेक्टिव ईवल जिसको आप कह लें या जो भी आप उसका नाम दे दें, ठीक है। एब्सोल्यूट ईवल एग्जिस्ट नहीं करता फलसफी एतबार से, मुल्ला जितने भी फ़िलासफ़े हैं उनके लिए वो प्राइवेशन थियोरी जिसको आप कहते हैं तो वही है, ठीक है। तो वजूदी ज़ोफ़ जो है इन चीज़ों में आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, जिसकी वजह से इनमें बिलाखिर मादी आलम आता है जहाँ पे खैर की सबसे ज़्यादा कमी है, क्योंकि उसमें ज़र्फियत सबसे कम है खैर को जज्ब करने की, ठीक है, और उसी वजह से फिर ज़ाहिर है नॉन एग्जिस्टेंस है, उसकी वजह से शर जन्म लेता है अपनी जगह, और वो भी एब्सोल्यूट ईवल नहीं, ज़ाहिर है रिलेटिव ईवल जन्म लेता है वहाँ पे, या यहाँ पे मुझे कहना चाहिए। तो ठीक है, अब यहाँ पे जब हर चीज़ खुदा की, जैसे वो एक चश्मा फूट रहा है उसमें से हर चीज़ फ्लो कर रही है, चीज़ हर चीज़ उसमें से कुछ हिस्सा ले रही है कुछ मकदार में, तो हम देखते हैं कि वजूद में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, जिनमें इल्म है, अकल है, शऊर है वगैरह वगैरह, इरादा है, ये सारी चीज़ें वजूद रखती हैं, कोई इनके वजूद का मुनकिर नहीं है। अब इन सब के वजूद का मंबा क्या है, इन सब के वजूद का चश्मा, सर चश्मा क्या है जहाँ से ये निकल रही हैं, तो वो फिर वापस जाती है बात वाजिबुल वजूद से, जहाँ से चीज़ें फूट रही हैं सारी, जहाँ से चीज़ें निकल रही हैं उसकी वजह से ये सिफात जो है ये इनका वजूद है, वरना इनका वजूद ही ना होता, अगर वाजिबुल वजूद यानी ना होता या उसमें ये चीज़ें ना होती तो ये चीज़ें मौजूद वजूद ही ना रखती, ठीक है। तो इसलिए वाजिबुल वजूद के लिए भी इल्म, अकल, शऊर वगैरह वगैरह, इरादा,
इन सब चीजों का होना लाजिम है। तो अब कोई सवाल करेगा कि भाई फिर बुराई जो है वो भी तो वजूद रखती है, मसलन कोई प्रॉब्लम फीवल को उठा ले, मसला शर जिसको आप कह लें, तो फिर जाहिर है पहले उसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ कि बुराई बजाते खुद तो वजूद नहीं रखती, वो सिर्फ खैर का अदम है, खैर का ना होना है। लेकिन मसलन वो उनका जो इशारा होता है वो होता भी रिलेटिव ईवल की तरफ है कि भाई रिलेटिव ईवल है इसलिए बुराई है। तो फलासफा कहते हैं कि भाई शैतान भी शर महज या शर नहीं है, शर महज होता तो वो नॉन एग्जिस्टेंस होता है, एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस, शर यानी नॉन एग्जिस्टेंस, तो एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस होता वैसे ही ना होता। शैतान भी अपने वजूदी एतबार से वो भी खैर है, और जो क्योंकि वजूद है, वजूद इज इक्वल टू खैर, ठीक है, चाहे वो अब ज़ाहिर है ज़ोफ़ है तो, लेकिन फिर भी खैर तो है। या जैसे कोई अगर कत्ल कर रहा है तो वजूदी तौर पर एक खैर ने वजूद लिया, लेकिन वो रिलेटिवली उसमें उसमें एथिकल जो ईवल है, एथिकल ईवल और एग्जिस्टेंशियल ईवल दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है, लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं इन दो को, ये दो अलग चीज़ें हैं। एग्जिस्टेंशियल ईवल नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन एथिकल ईवल जो है अखलाकी बुराई वो अलग चीज़ है, वो वजूद रख सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ज़ाहिर है फिर ये आ गई कि खुदा में ये सारी सिफात हैं, इल्म, कुदरत, अकल वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें वजूद में मौजूद हैं, ऑन्टोलॉजिकली एग्जिस्ट करती हैं, वो खुदा में है। अब शर नहीं एग्जिस्ट कर सकता, इसकी एक वजह मैंने आपको दे दी। एक और वजह भी मैं आपको देता हूँ कि अब जो वाजिबुल वजूद है उसमें तीन इम्कान आते हैं, या तो वो खैर मुतलक है या खैर महज है, एब्सोल्यूट गुड है, या वो शर महज है, एब्सोल्यूट ईवल है, या वो खैर और शर दोनों है। तो अब सबसे पहले तीसरी तीसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, या चले पहली दूसरी देख लेते हैं कि शर मुतलक है, शर महज। अगर वो शर महज होता तो वो एग्जिस्ट ही ना करता, यानी हमने नॉन एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस उसे कह दिया, वो वैसे एक वजूद ही ना रखता, ठीक है। तो ये निकल गई बात, अगर खैर महज है या फिर खैर और शर का मुरक्कब है। अब अगर हमने मुरक्कब कह दिया तो इसका मतलब है कि उसमें अज्जा आ गए, मुख्तलिफ अज्जा पर मुश्तमिल है, और वो फिर मोहताज हो जाता है, मोहताज हो गया अज्जा पर मुश्तमिल होने की वजह से अपने अज्जा का, तो वाजिबुल वजूद नहीं रहता, वो मुमकिन वजूद हो जाता है, और मुरक्कब फिर ये भी निकल गया। तो आपके पास तीसरा इम्कान यही रहता है कि वो खैर महज है, ठीक है, ये हो गई बात। अब ये भी ये मसला भी हल हो गया, मसला शहर का। अब इसमें एक और सवाल आता है कि भाई खुदा जो है वो या वाजिब वजूद जो है वो एक से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते, दो क्यों नहीं हो सकते, तीन क्यों नहीं हो सकते, 100 क्यों नहीं हो सकते, 1000 क्यों नहीं हो सकते, आप क्यों कह रहे हो एक ही वाजिब वजूद है। तो इसका भी इब्न सीना ने इसके मुख्तलिफ इस्तदलाल आते हैं। इब्न सीना ने एक इस्तदलाल इसमें ये पेश किया है आइडेंटिटी का, अगर बिलफर्ज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इस वक्त कि दो वाजिब वजूद हैं, एक नहीं है, दो हैं, तो अब या तो इनकी आइडेंटिटी एक ही जैसी है, ये आइडेंटिकल है एक दूसरे के, जिसका मतलब है कि दोनों एक ही हैं, दो हैं ही नहीं, आइडेंटिटी एक है तो एक ही हैं, या इनमें आइडेंटिटी का फ़र्क है। तो अब इनमें जो आइडेंटिटी का फ़र्क है, तो किसी एक चीज़ में कोई कुछ ऐसी मुतमयिज़ बात है जो उसको अलग कर रही है दूसरे से। तो पहले तो ये कि ये दो ये इनमें जो तफरीक है ये मेयार बन गई इनके अलग होने का। अब अगर ये मेयार बन गई तो इसका मतलब है कोई ना कोई एक में इनमें से कोई चीज़ है जो जायद बर ज़ात है, जो वजूद महज नहीं है, कोई इजाफी चीज़ है उसमें जो दूसरे में नहीं है। अब वो इजाफी चीज़ है तो आप उसमें तफरीक कर सकते हैं उसके अंदर कि ये जो दूसरे वाला है ना ये मुरक्कब है मुख्तलिफ दो चीज़ों का, एक इसमें ये जायद चीज़ है दूसरे वाले से, और एक बिल्कुल वैसी चीज़ है बाकी दूसरे में है। तो वो मुरक्कब हो गया, मुरक्कब हो गया, फिर वही बात आ गई कि एक मुमकिन है, या ये कि इन दोनों में जो तफरीक है वो फिर मेयार बन गई, तो दोनों ही मुमकिन हो गए, दोनों मुमकिन हो गए, दोनों को ही किसी वाजिब की ज़रूरत है, ठीक है, जो यानी कि बिलाखिर फिर वाजिब वजूद होगा जिसने इन दोनों जिस पे दोनों मुनहसर हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी का इस्तदलाल है इब्न सीना का, इसलिए ये दोनों दो नहीं हो सकते, एक ही वाजिब वजूद हो सकता है आइडेंटिटी की वजह से, ठीक है। तो ये भी हल हो गया मसला, एक उसकी सिफात का हो गया, एक उसके वजूद का हो गया। फिर लोग कहते हैं कि भाई ये कोई पिंक एलिफेंट क्यों नहीं हो सकता, तो भाई आपने पिंक एलिफेंट कह दिया, आपने उसे कोई पहले तो आपने उसे मादी सिफात दे दी,
जिसकी वजह से आपने उसे वैसे ही मुरक्कब बना दिया, जिसकी वजह से वही मसाइल आ गए। अब कोई कहता है कि भाई वो एक गैर मादी पिंक एलिफेंट है, ये है वो है, वो फिर उसको वही खुदा बना देते हैं बस नाम। अब आप उसे वाजिबुल वजूद की बजाय आप उसे डायनासोर का नाम दे दें, आप उसे कोई भी नाम दे दें। फिलासफा ये कहते हैं कि भाई सफरिंग लाजमी चीज़ है, मादी आलम है, इट कैन नॉट गेट एनी बेटर, उसका है जितना उसमें खैर है उतना ही आ सकता है, इट कैन नॉट बी इम्प्रूव। आप उसे खैर महज नहीं बना सकते, जो आप बनाना चाह रहे हैं मतलब आपसे मुराद लो हम उसे बेहतर, हम उसे खैर महज या इस खैर खैर का मजर नहीं बना सकते मुतलक, क्योंकि वो मादी आलम है, मादी आलम है, उसका लाजिमा ये है कि उसमें सफरिंग होगी, ठीक है, क्योंकि वो खुदा से इतना वजूदी तौर पर दूर हो गया है कि उसमें वजूदी ज़ौफ इतना पैदा हो गया कि उसमें सफरिंग होनी ही होनी है, और कोई इसके अलावा चारा ही नहीं है। फिर सवाल ये भी आता है कि भाई खुदा की ज़ात को जाना जा सकता है, उसकी एसेंस को, तो वही फिर जो मैं पहले आपसे शुरू में भी कहा था कि खुदा जैसे कि हर चीज़ वजूद और ज़ात या वजूद और माहियत एसेंस और एग्जिस्टेंस की मुरक्कब है, लेकिन जो वाजिबुल वजूद है वो वजूद और माहियत का मुरक्कब नहीं है। अगर मुरक्कब है तो वही फिर बात आ गई ना, वो वाजिब नहीं रहा, मुमकिन हो गया, आपने उसकी एसेंस को तफरीक जुदा कर लिया उसकी एग्जिस्टेंस से, तो मुरक्कब हो गया, मुरक्कब हो गया अज़ा का मोहताजा, अज़ा का मोहताजा वही फिर मुमकिन वजूद है। तो खुदा का वजूद ही उसकी ज़ात है, उसकी माहियत है, उसकी ज़ात ही उसका वजूद है, ये दो अलग चीज़ें नहीं है, क्योंकि अगर दो अलग चीज़ें होंगी वो मुरक्कब की बात आ जाएगी। अगर और ये एक ही चीज़ है इसलिए ये अनोएबल है, उसकी एसेंस अनोएबल है, क्योंकि उसकी आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते उसकी एसेंस को उसके वजूद से। इन नटशेल मैंने आपको पेश किया है, ज़ाहिर है इससे कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैंने बहुत सिंपल करके पेश किया।